हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये जो आपकी स्क्रीन पे आज क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, ये आपका एग्ज़ाम हुआ है आज 15 मई को, ठीक है, 15 मई को पीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है आपका सीडीपीओ, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, उसका जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 12 बजे से 2 बजे के बीच में, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है जिसके अंदर जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अंदर लगभग आई थिंक 150 क्वेश्चंस इसके अंदर हैं टोटल। तो उन क्वेश्चंस के बेसिकली हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आंसर्स को देखेंगे कि क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर रह सकता है, वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को देखने करने से पहले, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर यूनाइटिंग इंडिया ही वांटेड टू यूनाइट द मिड ईस्ट एंड वेस्ट एशियन विद हिमसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वर्ल्ड एम्पायर, आर पी त्रिपाठी रोट अबाउट द विच मुगल रूलर। मतलब एक आर पी त्रिपाठी जो एक राइटर है बुक के, ठीक है, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है वो किस रूलर के बारे में कही है, ठीक है, ये कही इन्होंने अकबर के बारे में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, हु रोट द बुक इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो बुक है ये लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं साथ में। तो क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया है कि नो गवर्नमेंट नॉट इवन द ब्रिटिश हैज शोन सो मच विजडम एज द पाटन। ये जो स्टेटमेंट है ये भी वर्ल्ड अबाउट शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया है। बेसिकली ये जो लाइन है ये किसने लिखी गई, देखिए कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे जो स्टेटमेंट बेसिस हैं, किसने कौन सी चीज़ कहाँ से कही है, किस बुक में कही गई है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, एच जी नीज, ठीक है, एच जी नीज ने ये स्टेटमेंट लिखी है शेरशाह सूरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर फाइव डैश द टर्निंग पॉइंट इन जवाहरलाल मेंटल डेवलपमेंट केम विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस अबाउट द कॉलोनियल ऑपरेशन एंड इम्पीरियल इन द फरवरी 1927। ये जो चीज़ है ये किसने कही है, ये कही है एस गोपाल ने, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स को। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया, हु अर्न द टाइटल रिक्रूटिंग सिग्रेंट ऑफ द ब्रिटिश फॉर द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फिर देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये भी एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी गई है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, पढ़ने की जगह आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में आपका जो दिया गया है कि विच इंसिडेंट और इंसिडेंट्स शॉक्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली हु हैड डिक्लेयर्ड द एडेंस ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हैड सफर्ड अ सर्व जोल्ट। तो ये चीज़ कही है बेसिकली कौन सा इंसिडेंट हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो वो इंसिडेंट था कैंपेन ऑफ INA एंड रिवॉल्ट ऑफ इंडियन नेवी, जो था रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवोल्ट था उसके ऊपर था। तो ऑप्शन सेवन्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इलेवेंथ क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ में व्हेन वाज द प्रोविंस ऑफ बिहार एडेड टू द प्रोविंस ऑफ बंगाल। बिहार का प्रोविंस और बंगाल का प्रोविंस को कब ऐड कर दिया गया, ये कर दिया गया, देखिए यहाँ पर इसमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, इलेवेंथ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ की। तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में पूछा गया है विच ब्रिटिश ऑफिसर रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट द मुस्लिम ऑफ पटना वर द करस्पॉन्डिंग विद द 64th नेटिव इन्फेंट्री नियर द पेशवा एंड अर्स टू रिवॉल्ट ऑफ अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। तो यहाँ पर जो 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा रॉबर्ट मोटेंगमी, ठीक है, आई थिंक प्रोनाउंस मैं थोड़ा गलत कर पा रहा हूँ, इसको प्रोनाउंस प्रॉपरली नहीं हुआ है, बट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
आठवां क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन में हु हेल्ड द फ्रीडम ऑफ इंडिया, सॉरी नॉट फ्रीडम, हु हेल्ड फ्री इंडिया, किसने ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैं वॉज एन आउटस्टैंडिंग लीडर एंड करेज एंड विजन। ठीक है, ये कहा था बेसिकली जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, वो एम्बेसडर थी उस टाइम पर यूएन जनरल असेंबली की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलती है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आपको देखने को मिलती है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वैसे कि प्रिसाइड किसने की, उसकी अध्यक्षता पूछी गई है यहाँ पर, तो उसको अध्यक्षता करी थी मोगलीपुत्स और तित्सा ने। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच राजा रेंडर्ड अ वेरी वैल्यूएबल असिस्टेंट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर होल्डिंग इट्स फोर्थ सेशन ऑफ अलाहाबाद 1888। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 13 का, तो दैट इज द राजा ऑफ दरभंगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन में जो है, व्हाट वाज द फोर्स बिहाइंड द फिरोज शाह तुगलक पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग जागीर। ठीक है, कौन सी वो ताकतें थी जो इसके अंदर आती थी, तो वो था इसका करेक्ट आंसर ट्रम्प ऑफ उलेमास। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लीड द क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था 11 अगस्त को पटना शहर के अंदर, तो वहाँ इसको लीड किया था। देखिए यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 14th का ई। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि इन प्री गुप्ता टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लीडिंग कॉइन्स वर इशूड बाई, जो सबसे ज़्यादा कॉइन्स जो इशू किए गए वो किसने किए थे, वो किए थे सतावना ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बहादुर इज द मोस्ट वंडरफुल स्तूपा इन द वर्ल्ड एंड इट्स इमेज एंड स्कल्पचर्स आर फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ। ये देखिए, ये जो बहादुर स्कल्पचर्स हैं, स्तूपा हैं, वो किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडो जैवनीज आर्ट के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 16 क्वेश्चन की हम बात करते हैं फिर यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें पूछा गया कि द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज लार्जली ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अशोका पॉलिसी, हु बिलीव दिस फैक्ट। मतलब अशोक की पॉलिसी की वजह से मौर्यन एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो हुआ, इस पॉलिसी पर किसने को भरोसा था, तो ये भरोसा था रोमिला थापर को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में पूछा गया है, हिच थ्योरी ऑफ किंगशिप वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजिडिस पावर एंड जस्टिस। ये स्टेटमेंट बलबन को किसके, हु सेड दीज वर्ड्स अबाउट द बलबन, बलबन के बारे में ये स्टेटमेंट्स किसने दी हैं, ये दी हैं जियाउद्दीन बरौनी ने। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए हो सकता है कई सारे वर्ड्स मैं प्रॉपरली प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही हो, बट आंसर्स पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने की जरूरत है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द ऑथर ऑफ फेमस अलाहाबाद प्रशस्ति। अलाहाबाद प्रशस्ति के जो राइटर हैं वो कौन है, वो है हरी सेन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, ये बड़ी सी एक स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट किसके बारे में है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा AL श्रीवास्तव। ठीक है, AL श्रीवास्तव ने ये स्टेटमेंट दी है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर AL श्रीवास्तव, ऑप्शन सी। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, वीडियो अच्छी लग रही है तो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 2020 के अंदर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट एवरेज इन इंडिया। ठीक है, एसरेज इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है राइस, पैडी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आई थिंक बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के भी आए हुए देखेंगे। ठीक है, जो 67th का एग्जाम हुआ है, जो अभी पोस्टपोन भी हो चुका है, बेसिकली कैंसिल हो गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला का जो सेंटर कौन सा है, वो है आपका भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा इज द सेंटर फॉर तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर ओर। कॉपर ओर सबसे ज़्यादा राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट फॉरेस्ट, सबसे कम फॉरेस्ट आपको चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, यहाँ जस्ट अ मिनट,
चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि द पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन, किस प्लेन के अंदर ये लाई करता है। बेसिकली ये लाई करता है आपका मिडल गंगा प्लेन के अंदर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, सोमेश्वर रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ माउंटेन रेंज। तो सोमेश्वर रेंज है वो किस माउंटेन रेंज की पार्ट है, दैट इज द शिवालिक रेंज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन में पूछा गया द लैंड ऑफ बिहार इज ड्रेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगा। कोल्हा गांव, कांती, बार एंड नाबीनगर आर द सेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सब जो प्लेसेस हैं किस चीज़ के सेंटर्स हैं, ये सारे सेंटर्स हैं आपके थर्मल पावर प्लांट के। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि बिहार के अंदर बालसुंदरी, ताल, करैल, बालथार, ये सारे जो चीज़ें हैं ये यूज़ की जाती हैं कहाँ पर, किसके अंदर यूज़ की जाती हैं, ये सारी यूज़ की जाती हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन डेकेड, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट आपको कहाँ देखने को मिली है, डेकेड मतलब पिछले उसके टर्म के 2011 के तहत, तो ये देखने को मिली है आपको किशनगंज के अंदर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका दैट इज 29th क्वेश्चन। तो 29th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, पूछा गया कि कौन सा इनमें से डिस्ट्रिक्ट जो है वो लैंड यूज़ के लिए कवर नहीं होता है, सॉरी जस्ट नो लैंड कवर अंडर फॉरेस्ट कवर, मतलब कौन सा जो जगह है वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके बिहार के अंदर, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बिहार। बिहार के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सेंटर है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है, 33 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिवर्स, ये रिवर्स कौन सी हैं इनमें से। 33 का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर दैट इज ई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ विक्टोरिया चैंड एंड मैरी एंड डार्लिंग, ये जो ए और बी ये दोनों करेक्ट आंसर रहेंगे, तो दो हैं तो मोर देन द अबव वाला ऑप्शन आपका जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 37 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 में हु विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान कहाँ प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ इन चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 क्वेश्चन, 37 में पूछा है आपका हैदराबाद सिटी इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, हैदराबाद सिटी जो है कहाँ पर आपकी लोकेटेड करती है। 34 का करेक्ट आंसर, देखिए हैदराबाद सिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आई थिंक दैट विल बी द ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हमारा कौन सा 34, ओके सॉरी हैदराबाद सिटी की बात कर रहा है, तो हैदराबाद सिटी कहाँ है आपका, तेलंगाना का एक शहर है, कैपिटल है तेलंगाना की, इंडिया के अंदर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज डिवाइड गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेटू, गंगा प्लेन और डेक्कन प्लेटू को डिवाइड करने वाली जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, दैट इज़ विंध्यास। ठीक है, विंध्या रेंज, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 35th क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, तो 35th क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल डिपॉजिट, सबसे ज़्यादा कोल डिपॉजिट कहाँ देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है 35 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। आई थिंक आई हैव अ डाउट लिटिल बिट, देखिए मेरे को साउथ अफ्रीका पे डाउट है थोड़ा सा, बट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर लिख दूंगा, मेरे को उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट आ रहा है साउथ अफ्रीका और इसके साथ में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट फ्लोइंग ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड की तरफ, ईस्ट की तरफ कौन सी रिवर नहीं फ्लो होती है, दैट इज़ देखिए गंगा वैली, नर्मदा, गोदावरी, नॉट पूछा है ना, तो देखिए गोदावरी आपकी फ्लो होती है, कृष्णा फ्लो होती है, नर्मदा नहीं होती यहाँ पर, नॉट फ्लोइंग ईस्टवर्ड है, तो गंगावली, देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 39 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, तो देखिए 36 क्वेश्चन का जो पूछा गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट 2020 के अंदर, तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट कौन है 2020 में, तो वो है यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑल्सो यूज फॉर
ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? तो 40वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर दैट इज द सॉरी 40th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा रेगुर, रेगुर सॉइल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन रहे हैं? वो हैं आपके 41 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 43rd में हम बात करते हैं, ये थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज जो है वो 370 के आर्टिकल को सपोर्ट करती थी रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा रहेगा ऑप्शन नंबर डी बीएसपी। ठीक है, 43 का नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये दोनों। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 42 में कि कौन सी पार्टीज जो हैं, विच पॉलिटिकल पार्टीज हैज 4 सीट्स इन द बिहार विधानसभा के अंदर, जो 4 सीटें हैं उसकी और एक विधान परिषद के अंदर सीट है उसकी। तो 42 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर दैट इज ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर 42 का। 44th क्वेश्चन का हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसको जिसने सपोर्ट किया था वो थी आपकी जेडीयू। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की हम बात करें तो 45 क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन मैरिज बिल 2019 का, जो राज्यसभा के अंदर किसने सपोर्ट किया था? तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई। 48th क्वेश्चन, काउ स्लॉटर वॉज बैंड बाय द लॉ इन बिहार विच ईयर। काउ स्लॉटर, काउ को मारना, उसका जो बैन किया गया बिहार के अंदर वो किया गया 1955 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 46th क्वेश्चन की हम बात करें, 46 नंबर क्वेश्चन की, हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं माननीय जस्टिस संजय करोल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट है 47th क्वेश्चन, पंचायती राज मिनिस्टर कौन है यहाँ पर? ठीक है, वह पूछा गया है। तो पंचायती राज मिनिस्टर जो है वो है सम्राट चौधरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ट्वाइस सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार का गवर्नर जो है दो बार रहे हैं, वो हैं अखलकार रहमान किदवाई, ए के किदवाई, ए आर किदवाई कहा जाता है इन्हें शॉर्ट में। ठीक है, ए आर किदवाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 50th का। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, रावतवाड़ी सिस्टम जो है वो इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पर? तो रावतवाड़ी सिस्टम जो है पहली बार आपका इंट्रोड्यूस किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस जो बुक है ये लिखी थी टी सी कुरैन ने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नफेड, नफेड क्या होता है? नफेड जो है बेसिकली एक इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिहार इज अ रूरल, बिहार का जो रूरल लिटरेसी रेट है वो है 43.9%। नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी इन इनकम, इनइक्वालिटी इन इनकम इज मेजर्ड बाय दैट इज द गिनी लॉरेंस रेशियो, ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 57, झारखंड इज एन इंडिकेटर पार्ट ऑफ द बिहार। देखिए 2000 में तो बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो उससे पहले ही इंडिकेटर पार्ट रहेगा, 99 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू द ऑयल क्राइसिस, दैट इज द क्वेश्चन, ड्यू टू द 54 ऑयल क्राइसिस मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री फेसेस प्रॉब्लम्स ऑफ। देखिए ऑयल क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन की जो मुद्रास्फीति की जो समस्या है वो आपको देखने को मिलती है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन कतिया मेथड इन बिहार, जो तीन कतिया मेथड है वो किस चीज़ से संबंधित है? दिस इज अ एग्रीकल्चरल मेथड, ऑप्शन 58 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 59th क्वेश्चन है, 59th पे पूछा गया है हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लोकनायक। लोकनायक किन्हें कहा जाता है? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी रिकमेंड द इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, इसको रिकमेंड किया था नरसिम्हन कमेटी ने, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 7 निश्चय योजना, जो 7-7 निश्चय योजना कैंपेन है ये बिहार के द्वारा, ये आपका बीपीएससी प्रीलिम्स का जो 67 पेपर हुआ उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, ये 2015 के अंदर आया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 60th क्वेश्चन का। यहाँ पे 63rd क्वेश्चन है, ठीक, तो थोड़ा सा स्कोप नीचे कर लेते हैं। 63rd क्वेश्चन में बात करते हैं द स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ हाईलाइट सक्सेस। देखिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हमने कहाँ से लिया है?
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 63 का, दैट इज चाइना। ठीक है, ये चाइना का कॉन्सेप्ट है जो हमने वहाँ से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64th, इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंडिया जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है, तो भाई शुरुआत से ही रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत कब हुई थी इसकी फाउंडेशन? 1995 के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 क्वेश्चन और 65 क्वेश्चन देखते हैं सामने से। तो 61 क्वेश्चन में द फिजिकल डिफिसिट ऑफ बिहार इन द ईयर 2021-22 के अंदर जो रहा है वो कितना रहा है? दैट इज द 61 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2.97%। ठीक है, 2.97% 61 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65, मोड वैट। मोड क्या होता है? मॉडिफाइड वैल्यू टैक्स होते हैं। ये रिलेटेड है एक्साइज ड्यूटी से या एक्साइज टैक्स से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन आपका। सो 66 क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हेन वाज द पूना पैक्ट इज साइन। पूना पैक्ट आपका 24 सितंबर 1932 को साइन हुआ था। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 17वां क्वेश्चन है द एडवोकेट हु अपियर्ड फॉर द INA ट्रायल्स इन दिल्ली 1945-46 के अंदर, कौन से वो एडवोकेट है जो ट्रायल के लिए आए थे? वो थे आपके दैट इज द बाहुभाई देसाई। ठीक है, बालूभाई देसाई। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 70 का। नेक्स्ट है 67 की हम बात करें, जस्ट 67 क्वेश्चन की हम बात करें, तो यहाँ पे जस्टिस पार्टी इन मद्रास मेड द एक्सपेरिमेंट ऑन डायर की अ सक्सेस इन द प्रोविंस बिकॉज ऑफ देयर। तो यहाँ पर जो 67 का करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द एंटी ब्राह्मिन सेंटेंस। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 71 क्वेश्चन की। तो देखिए 71 क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो 71 का करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा, देखिए सबसे पहले हुई थी आपकी जो है रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 3142। ठीक है, 68 की हम बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द वेदरायनम सत्याग्रह इन अप्रैल 1930 के अंदर। ठीक है, तो 68 का करेक्ट आंसर दैट इज सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन सी 68 का। 69th क्वेश्चन और 72 क्वेश्चन की हम बात करते हैं फिर। तो 69 क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई देखिए चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है, ऑप्शन सी एंड डी, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वाइंट प्रेजेंट इंटरेस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 72 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए यहाँ पर जो डेकन राइट्स हैं, तो डेकन राइट्स आपके हुए थे 1875 के अंदर, और जो इंडिगो एजिटेशन है ये हुआ था 1859 के अंदर। ठीक है, और पंजाब के अंदर जो ये मूवमेंट हुआ था ये दैट इज़ इन 1900। तो 1900 की बात करें तो आई थिंक जो कॉम्बिनेशन रहना चाहिए दिस इज दैट विल बी आई थिंक 2-1 and 2-1 and 4 जो है आपका कॉम्बिनेशन के साथ रहना चाहिए, बट ऐसा कहीं भी बन नहीं रहा है यहाँ पर 2-1-4 के साथ में। तो दैट आई थिंक यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 72 का ऑप्शन नंबर ई रहेगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर फ्रॉम द बिहार अपीयर बिफोर द हमोड कमीशन एट रांची टू डिमांड वोटिंग राइट फॉर द दलित्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर दैट इज बाबू जगजीवन राम। 73rd का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 76 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हु स्टार्टेड द उलगुलान मूवमेंट जो है वो किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था बिरसा मुंडा ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साथ में 77 क्वेश्चन की, हु अमंग द फॉलोइंग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एका मूवमेंट। एका मूवमेंट देख लीजिए किसानों के द्वारा शुरू किया गया था हरदोई बहराइच और सीतापुर जो अवध रीजन है उसके अंदर। तो ऑप्शन ई जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। 74th और 78th की हम बात करते हैं, तो 74th में पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग वेज्ड अ रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बिहार इमीडिएटली आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द चैट सिंह। ठीक है, नेक्स्ट 78th, हु अमंग द फॉलोइंग वॉइस रॉय वॉज एस्टेब्लिश डेथ इन अंडमान आइलैंड के अंदर। तो यहाँ पर देखने को मिलती है लॉर्ड माइलो की, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फिर आपका 79th क्वेश्चन है, 79th क्वेश्चन में पूछा कि द फ्रंटियर गांधी इज known to have said that they have thrown the walls him and his movement, who referred these two? तो ये कहा गई थी बेसिकली कांग्रेस लीडर्स के द्वारा ये चीज़ कही गई थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 79th का ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 74th, हु अमंग द फॉलोइंग सेवन मैट्रेट्स ऑफ पटना ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टडीड इन बी एन कॉलेज, जो बी एन कॉलेज है पटना का वहाँ पर कौन पढ़ा था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा जगपति कुमार, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए यहाँ पर एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 80th क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 80 क्यों भी देख लेते हैं। हुम डिड द चीफ खालसा दीवान डिक्लेयर द फॉलन सिख एंड क्रिमिनल्स, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा द गदर रिवॉल्यूशनरीज, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये एक्चुअली कुछ एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो इनके हम डायरेक्टली आंसर्स को सेट कर लेते हैं। तो 81 क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो रहेगा करेक्ट आंसर दैट इज़ 32, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। 84th की हम बात करें, स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 84th का, तो दैट विल बी दी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एक नेक्स्ट क्वेश्चन 82 की हम बात करते हैं, तो 82 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी 12, ठीक है, 82 का 12। देन 82 के बाद हम बात करते हैं 85 में दो इक्वेशन दी गई हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2 एंड 2, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ये एक 100 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 83rd का, दैट विल बी द 605, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला आप लगाते हैं, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा 86 का, तो दैट विल बी 2, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। 88th क्वेश्चन की हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया सीक्वेंस दिया गया है, यहाँ पर जो सीक्वेंस को आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 108 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक घड़ी क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्लॉक में जो करेक्ट एंगल बनेगा दैट विल बी दी 45 डिग्री एंगल, ठीक है, 89th का। एंड 87th की हम बात कर रहे हैं, तो 87 में पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 19965 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 90th क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई देखिए ये आपका NC9 और NC8, तो N की वैल्यू आपको जो निकलेगी वो निकलेगी आई थिंक 17, सॉरी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर 90th क्वेश्चन का, ठीक है। ये कुछ रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे बेसिकली, ठीक, उनको जब आप सॉल्व करेंगे तसल्ली से तो आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं 91 क्वेश्चन की, द बिग शोरूम्स जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं यहाँ पर विजिलेंस करने के लिए किस टाइप के मिरर यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो मिरर्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 95th क्वेश्चन की हम बात करें, वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन 95th का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 92 की हम बात कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कंडक्टर ब्रिंग बाय अनदर चार्ज नियर कंडक्टर विदाउट मेकिंग इन कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इंडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। वाटर इज एन एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से ये आपका कूलिंग एजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है 93rd क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट डिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑन द अप्रोप्रिएट मटेरियल, दैट विल बी द 93rd का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज डिस्टिलेशन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 97 कोलाइड्स हैव पार्टिकल साइज रेंज, कोलाइड्स का जो पार्टिकल साइज रेंज होता है वो होता है आपका 10^-7 टू 10^-10 मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अल्फाबेट एक्स इन एक्सरे स्टैंड्स फॉर द, देखिए एक्स के अंदर एक्सरे के अंदर जो एक्स होता है ये एक्चुअली एक्स मतलब नथिंग, कोई नेम नहीं है, आई थिंक यहाँ पर जो देखिए ऑप्शन बी और ई में थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98th क्वेश्चन है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमोफस कार्बन वो कौन सा होता है, तो ये होता है आपका शुगर चारकोल, ठीक है, शुगर चारकोल इज द करेक्ट आंसर 98th का। 99th के क्वेश्चन की हम बात करें, तो 99th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एटॉमिक सिंबल आर द बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ बर्जिलियस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 99th का। 103 क्वेश्चन है, 103 की हम बात करें, तो यहाँ पर जो क्लोन्स ऑफ एनिमल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ, देखिए क्लोन्स ऑफ एनिमल्स की हम बात करें तो बेसिकली जेनेटिक्स के अंदर आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आती है, बायोटेक्निक भी आती है, तो ए और सी होना चाहिए मेरे ख्याल से,
बट आई थिंक आई हैव टू गो विद द बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है, लिटिल बिट डाउट 103 के अंदर, बट आई थिंक ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज. वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नो नेट चेंज इन द एनर्जी इन्वॉल्व्ड. ठीक है, 100 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. 104 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बोथ इन द सेल्स ऑफ अ मैंगो प्लांट एंड द मंकी. मंकी और मैंगो प्लांट के अंदर कौन से सेल देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, फिर हम बात करते हैं 101 की. तो 101 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, तो सब्सटेंस दैट रेडियली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस विदाउट केमिकल रिएक्टिंग देम, दैट इज कॉल्ड एज अ 101 का जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर. थोड़ा सा डाउट है बट ए के साथ हम जाएंगे. ठीक, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन की. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स अ मसल्स टू अ बोन. मसल्स टू द बोन के लिए ज्वाइन करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, वो दैट इज कॉल्ड अ टेंडन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन. 102 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनहेलेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डेंजरस बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड विद कम्बाइंस विद हीमोग्लोबिन. देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 102 का. ठीक है, नेक्स्ट है 106. तो द फ्रूट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा फ्रूट का कौन सा फ्लावर का, देखिए द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट गिव्स राइज टू द फ्रूट, कौन सा फ्रूट देता है, दैट इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मतलब पार्ट ऑफ द फ्लावर पूछा गया है कि जो बाद में क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है. पहले फ्लावर है, बाद में वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन 107. तो 107 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एज एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल साइंटिफिक नेम. बाइनोमियल साइंटिफिक नेम का जो एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 107 का, आई थिंक वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव. ठीक है, नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन. द टाइप ऑफ जॉइंट्स फाउंड एट शोल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एट दैट इज कॉल्ड एज 110 का करेक्ट आंसर, दैट इज हिप. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन. 108 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, तो वो होती है हाउस फ्लाई, जो घर में मक्खियाँ होती है ना, सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाती हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मोस्ट एक्टिवली फंक्शन टू रेगुलेट अवर बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कौन सा ऑर्गन रहता है, दैट इज द स्किन. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 109. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए. बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए कौन सी होती है भाई, गाजर, कैरेट. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. यीस्ट का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं, किस चीज़ को प्रोडक्शन करने में, तो वो रहता है अल्कोहल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें. ठीक है, मेरे प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा, करेक्ट आंसर्स पर फोकस करिए. ठीक है, ओके चलिए 113 क्वेश्चन है. तो यहाँ पूछा गया है कि वन जेप्टो जो है किसके बराबर होता है, तो वन जेप्टो होता है आपका, दैट इज -10^-21. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है, देखिए ये सारी होती हैं, तो यहाँ पर जो मोर देन अबव वो रहेगा ऑप्शन ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर 117 का. ठीक है, नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक इज. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक क्या होता है भाई, दैट इज 2 सेकेंड. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. इन अ बार्बर शॉप प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट. बार्बर शॉप पे प्लेन मिरर्स को पैरेलल टू इच अदर रखा जाता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 118 का. नेक्स्ट है 115 क्वेश्चन. तो 115 क्वेश्चन का पूछा गया है कि सडन राइज इन बैरोमेट्रिक हाइट. बैरोमेट्रिक हाइट के अंदर बैरोमीटर जो होता है उसके अंदर बैरोमेट्रिक हाइट का बढ़ने की वजह से क्या, किसकी वजह से होता है, ये होता है ड्राई वेदर की वजह से. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. हियरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कैट, जो बिल्ली है वो कौन से रेंज की साउंड सुन सकती है, दैट इज द 45-64 हर्ट्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर, ठीक है बहुत ठंडी का टाइम है, तो उस टाइम पर क्या होता है, वाटर हेल्प्स टू प्रिजर्व द एक्वेटिक लाइफ. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सपेंशन. भाई पानी है तो जब उसको वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो क्या एक्सपेंशन आपको थोड़ा सा देखने को वहाँ मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन है. When a bar magnet is placed in the Earth's magnetic field with the north pole pointing towards the geographical north and the number of neutral points around the magnet आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर टू. ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन क्वेश्चन टू रहेगा, दो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच हैज़ बिकेम ओनली सिटी इन द इंडिया इन 2022 टू रिकॉग्नाइज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये ओनली सिटी जो थी आपकी थी वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द मार्स मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग अरब इमीरेट अरब कंट्री हैज़ लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट। देखिए 2020 में जब कोविड टाइम चल रहा था उस टाइम पर जो एक मिशन गया था वो गया था मार्स के लिए यूएई का, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमीरात की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भाई देखिए जो है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की, तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, भाई तीसरी बार हम इंडिया जो है वो इस रैंक पर रहा है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में, दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी पैड टू द वुमेंस इन द कंट्री। कंट्री के अंदर वुमेंस को फ्री सैनिटरी पैड जो प्रोवाइड करेगा वो है स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर का, 123 में पूछा है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का रीनेम रखा गया है उसको क्या कहा जा रहा है, दैट इज ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से वो जाना जा रहा है। क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है इसे क्वाड कहते हैं, ये किस किन देशों का ग्रुप है बेसिकली, दिस इज यूएसए इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 124 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि विच कंट्री वॉन द हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में यूएसए ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोबल पीस प्राइज, एक मिनट, डिसाइड नोबल पीस प्राइज कौन डिसाइड करता है। देखिए दिया जाता है ये नॉर्वे में, बट इसको डिसाइड करने वाली जो है वो है नॉर्वेरियन, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, नॉर्वेरियन नोबल कमेटी के द्वारा इसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 129 क्वेश्चन, नॉजी ओकोंजिया इलोविया, आई थिंक कुछ गलत ही बोल गया इसे, बट जो भी है ये कुछ नाम, बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन बेसिकली अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द WTO, हेड ऑफ द WTO अपॉइंट किया गया है नगोजी को, ठीक है। तो यू नो ये किस कंट्री से हैं बेसिकली, ये हैं आपकी अफ्रीका की कौन सी कंट्री से हैं, ये है नाइजीरिया से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत किया है, आई एक्सेप्ट इट, बट फॉरगेट अबाउट दैट, आंसर पर फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द CPEC, CPEC होता है आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि तालिबान ने अपना नया नाम रखा है, मतलब तालिबान, देखिए अफगानिस्तान को अमेरिका छोड़ के चला गया, तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो तालिबान ने अपने देश का नया नाम रखा है इस्लामिक इमीरेट ऑफ अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट किसान रेल जो स्टार्ट हुई थी 2020 में 8 अगस्त के दौरान, तो ये कहाँ से कहाँ चली थी, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के अंदर चली थी, ठीक है। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया कि हु हैज़ वॉन द यूएस ओपन मेंस सिंगल ग्रैंड स्लैम 2021 का, जिसने साइबेरिया के नंबर वन को हराया था, तो वो थे डैनियल मेडवेदेव, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर 131 का। 135 की बात कर रहे हैं, तो हु फ्रॉम बिहार हैज़ कन्फर्ड द पद्म भूषण अवार्ड जो है वो 26 जनवरी 2021 को दिया गया, ये मिला है रामविलास पासवान जी को उनके मरणोपरांत, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने कोविशील्ड को बनाया, भाई वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आपका BPSC के अंदर भी आया हुआ है, आपका 67th प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग हाउ मेनी फ्रॉम द बिहार कन्फर्ड द पद्मश्री अवार्ड इन 2021 के अंदर, कितने लोगों को पद्मश्री मिला है। तो देखिए पद्मश्री जो मिला है 136 का करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज़ 4, चार लोगों को मिला है ये, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें पूछा कि हु फ्रॉम द बिहार कन्फर्ड द पद्मश्री अवार्ड फॉर द इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर किन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, वो मिला है डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर 137th क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट है 141, विच पुअर गर्ल फ्रॉम बिहार इज़ द रिसिपेंट ऑफ द वुमेंस क्रिएटिविटी रूरल लाइफ अवार्ड, जिसने वो सबमिट किया था अपना प्रोजेक्ट जो भी था, ये वुमेंस वर्ल्ड सबमिट फाउंडेशन की तरफ से अपलिफ्टिंग द कमेटी, वो थी छोटी कुमारी सिंह, ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर 141 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 क्वेश्चन में पूछा गया है कि
हु फ्रॉम द बिहार रिसीव द परमवीर चक्र 1971 की लड़ाई के दौरान जो है परमवीर चक्र किन्हें दिया गया था, वो थे अल्बर्ट इक्का। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अल्बर्ट इक्का। 138 का 139 की सॉरी 139 नहीं, ये हमारा 142 क्वेश्चन है। 142 क्वेश्चन में पूछा गया कि द फिफ्थ इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी या ऑर्गेनाइज की गई थी इंडियन फाउंडेशन इन कोलेबोरेशन विद द नालंदा यूनिवर्सिटी जो 2019 के अंदर हुई थी, ये किस शहर के अंदर हुई थी, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर है राजगीर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन है। 140 में पूछा है कि विच इंडियन जर्नलिस्ट एंड द मीडिया पर्सनल इज़ अ नेटिव ऑफ बिहार जिन्हें मैगासे अवार्ड दिया गया था 2019 के अंदर, वो है रवीश कुमार, NDTV के संपादक रवीश कुमार। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द बिहार हैज़ बीन अवार्डेड भारत रत्न। भारत रत्न देखिए कि नहीं मिला है, वो मिला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, चार लोगों को मिला है बट उनमें से चारों में से एक हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले सभी लोग जिन लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है हमारा क्वेश्चन 141। इन टोटल हाउ मेनी मेडल इंडिया वॉन इन टोक्यो पैरालंपिक जो अगस्त 2021 के अंदर हुआ था सितंबर में, तो इसके अंदर इंडिया ने 19 मेडल्स जीते थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 144 का। नेक्स्ट 148 हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये स्कीम जो है लॉन्च करी थी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो थे रामविलास पासवान के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 148 का। नेक्स्ट है 145। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है, ये है ऑप्शन नंबर डी डेवलपमेंट ऑफ जो आपका राष्ट्र वो आपका पार्लियामेंट बन रहा है रायसेना हिल का डेवलपमेंट होगा, पार्लियामेंट का डेवलपमेंट है उसके लिए प्रोजेक्ट है बेसिकली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष जो है ये बेसिकली 2014 में लॉन्च हुआ था, इंटेंसीफाइड मिशन है इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च हुआ है। ये किसी चीज़ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है इम्यूनाइजेशन ऑफ द चाइल्ड एंड द वुमेंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 149 का। 146 की बात करें तो 146 गुड गवर्नेंस डे, देखिए गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन उस दिन, तो 25 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 146 हो गया, इसका हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 147 की, तो 147 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है दुनिया में जो बल्ड बना है वो किस रिवर पे बना है, वो बना है चिनाब रिवर पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, इन विच स्टेट द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनअर्थ 900 साल पुराना एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री उन्होंने निकाला है, ये निकाला है इन्होंने कहाँ पर, झारखंड के अंदर। ठीक है, 150 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारे ये थे बेसिकली आपके जो पेपर है, पेपर था कौन सा आपका BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का चाइल्ड डेवलपमेंट CDPO है ना, प्रोजेक्ट ऑफिसर। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम हुआ है आपका दैट इज़ ऑन 15th of May 15 मई को। दिस इज़ प्रीलिम एग्जामिनेशन, 150 क्वेश्चंस थे जिसके मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताए हैं, एक दो क्वेश्चंस में मुझे डाउट है। ठीक है, बाकी मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया है, आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं कि कितने आंसर्स आपके मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बीच में सर्कुलेट करें, या जिन लोगों ने इस पेपर को दिया है उनके बीच में भी सर्कुलेट कर सकते हैं।